हेलो दोस्तों, ये है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स जिसका हमने वीडियो जो है कुछ समय पहले ही बनाया था। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह जो है हमने लास्ट वाली वीडियो में बताई है, इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो खासियत है, वो सारी डिटेल जो है हमने उसमें बताई है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने स्मार्ट वॉच को जो है रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप किस प्रकार से इसे जो है रीसेट या फॉर्मेट करने वाले हैं, तो वो चर्चा जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्विक वीडियो होने वाला दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको दोस्तों सेटिंग ऑप्शन में जाना है। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद में दोस्तों नीचे के नीचे साइड जो है आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके नीचे जो है रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको ऑन ऑफ करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इस बटन को जो है दबा करके भी आप इसे पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दिस विल इरेज ऑल डाटा, आर यू श्योर, येस और नो के लिए पूछता है, तो इसको जो है आपको येस करना है। और येस करने के बाद में दोस्तों आपको जो है स्क्रीन पे फास्ट ट्रैक का लोगो देखने को मिलेगा और कुछ समय बाद में जो है ये सारा का सारा डाटा इरेज करने के बाद में ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक वाइब्रेशन आता है, उसके बाद में फास्ट ट्रैक का अगेन लोगो आता है और यहाँ पे जो है डिस्प्ले आ रहा है। डायरेक्ट जो है QR कोड स्कैन करके भी इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद का वीडियो जो है दोस्तों हमने हमारे पहले वाले वीडियो में बनाया है, इसकी डिटेल जो है आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें अनबॉक्सिंग भी बताई है, साथ में इसके सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह भी बताए हैं और किस प्रकार से जो है आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है वो भी हमने उस वीडियो में बताया है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।